नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन की तो बात करेंगे लेकिन आज मैं आपके लिए पांच कॉइन्स लेके आ चुका हूं जो कि नवंबर मंथ के लिए आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। सामने आप लोग देख सकते हो पांच ऐसे प्रोजेक्ट हैं आपके लिए जो कि 50x पोर्टफोलियो आपका बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है कि एक छठा प्रोजेक्ट और है मेरे पास जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है यदि आप क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म से हो तो। अब उसके अंदर थोड़ा सा रिस्की फैक्टर होगा लेकिन उसके ऊपर बात करूंगा, वो थोड़ा सा आपके लिए अलग से प्रोजेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए वो पांचों प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बिटकॉइन को थोड़ा सा देखना चाहूंगा, आप भी देखना चाहोगे डेफिनेटली क्योंकि यही हमारा किंग है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि 34,000 पे अभी बिटकॉइन रेंज कर रहा है। देखिए मैं मानता हूं कि बिटकॉइन थोड़ी देर और कंसोलिडेट करेगा, इसी रेंज के अंदर घूमेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो एकदम से बढ़ेगा और 40,000 की रेंज पे पहुंच सकता है और उसी वक्त ये हमारे प्रोजेक्ट काम आने वाले हैं। लेकिन अभी इनको बाइंग करके रखना पड़ेगा क्योंकि बाइंग तब होती है जब मामला कंसोलिडेट कर रहा हो, उस टाइम बाइंग नहीं होती जब मार्केट ऊपर जा चुका होता है। तो एकदम बढ़िया मौका है और उसके साथ में आपको पता है कि मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट को लेके नहीं आता हूं, मैं उसके पीछे कोई रीजन होता है तभी उसको लेके आता हूं। तो चलिए फिर, स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और उसी के साथ में यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर कर देंगे, उससे मुझे एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूं अपने पहले प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है बाइनेंस। मैं बीएनबी टोकन की बात कर रहा हूं जिनका बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक आने वाला है जो कि 8 नवंबर और 9 नवंबर को होने वाला है। अब इसके अंदर देखिए बेसिकली होता क्या, जब भी बाइनेंस का ब्लॉकचेन वीक आता है, पिछले साल भी आया था उस टाइम भी बाइनेंस का जो प्रोजेक्ट है उसने अच्छा खासा गेन किया था। और हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो के अंदर हिस्टोरिकल चीजें जो हो चुकी होती है वो कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई नजर आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीएनबी टोकन पे नजरें रखना अपनी। 224 के ऊपर अभी बना हुआ है लेकिन इसको यदि बाई करना तो 200 के आसपास बाई कर लो तो बहुत ही अच्छी रेंज है। बाकी अभी भी मैं कहूंगा इसको पार्ट्स के अंदर उठाना है। देखिए जितने भी प्रोजेक्ट में बताने वाला हूं सबको पार्ट्स के अंदर उठाना स्टार्ट कर दो, चाहे वो कौन से भी रेंज के अंदर अभी रेंज कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे आएंगे तो और उठाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर दमखम है, वैसे ही प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो कि आपको अच्छे लगने वाले हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कि एकदम से आपने नया सुन लिया। ठीक है, अब मैं आता हूं सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसका नाम है ब्राइज। देखिए ब्राइज की मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखिए रीजन सिंपल सा है, इसकी जो मार्केटिंग टीम है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इस टोकन के बारे में जरूर जरूर सुना होगा कि इसके बारे में वो लोग बातें करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कोई मार्केटिंग टीम से नहीं हूं तो मैं इसकी मार्केटिंग यहाँ पर नहीं करने वाला। इसका मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के आने वाले 2 महीने के अंदर कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अच्छे अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं, तो यही बात को हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटा सा ही भले हो लेकिन होना चाहिए, बिकॉज ये प्रोजेक्ट मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देता है और मार्केटिंग पे ध्यान देने के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो एकदम से गेन करता है। अभी इसके अंदर आप लोग एंट्री बना के रख सकते हो और अभी ये KU कॉइन के ऊपर आपको मिल जाएगा, बल्कि मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हो रहा है डेफिनेटली ये आने वाले टाइम के अंदर आपको बाइनेंस पे भी नजर आ सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है कार्डानो। कार्डानो बहुत टाइम हो गया मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, रीजन भी था क्योंकि ये जितना नीचे जा रहा था नीचे जाने पे इसके ऊपर बात करना कोई मतलब उसका वैल्यू बनता नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर स्पॉट बाइंग करते हो तो उसके अंदर फायदा आपको है नहीं। यदि फ्यूचर्स करते हो तो फिर मैं आपको बोलता कि आप शॉर्ट कर लो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पॉट के अंदर कहां पे बाइंग करनी है। तो यहां पे कार्डानो के अंदर आप लोग बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो। अब मैं आता हूं रीजन के ऊपर कि आपको बाइंग क्यों करनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, कार्डानो के अंदर एक यहां पे हमारा इवेंट आने वाला है जिसको हम बोलते हैं कार्डानो समिट। अब जब भी कार्डानो समिट होता है, पिछले साल 2022 के अंदर भी हुआ था, उस टाइम भी मार्केट ने थोड़ा बहुत हाइप जरूर लिया था। इसके अंदर व्हेल्स एंट्री करते हैं जब भी ये हाइप में आता है और इसका इवेंट है, मतलब डेफिनेटली इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी हमारा बिटकॉइन बढ़ता है उसके बाद हमारा इथेरियम की बारी आती है, उसके बाद हमारे जो लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं उनकी बारी आती है। अब उसी लार्ज कैप प्रोटोकॉल के जितने भी कॉइन्स हैं उसके अंदर हमारा कार्डानो आप कह सकते हो नंबर वन पे आता है। अब इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा और इसके साथ में इवेंट आ चुका है, तो आप लोग कह सकते हो कि सोने पे सुहागा इसके अंदर हो चुका है, तो यहां पे हमारी बाइंग बनती है। अब मैं आता हूं अगले प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि हमारा है चौथा प्रोजेक्ट। अब हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट है उसका नाम है पैनकेक स्वैप। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, ये वही प्रोजेक्ट है जो कि एक टाइम पे 10 से 15 20 डॉलर पे रेंज करता था, लेकिन आज 1.22 के ऊपर आ चुका है बिकॉज काफी ट्रांजेक्शंस कम हुई है पैनकेक स्वैप के अंदर। लेकिन अब मैं आता हूं क्यों इसका रीजन है और क्यों इसको बाइंग करना चाहिए। यहां पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे इवेंट्स हैं आने वाले 2 महीने के अंदर, Q4 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो गेम डिजाइन को लेके, गेम एक्सपेंशन को लेके, मल्टी चेन प्रेडिक्शंस को लेके, उसके साथ में इनका जो ब्लॉकचेन इनको एक्सपेंड करना है उससे लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको यहां पे पैनकेक स्वैप के अंदर
आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिलने वाली है। तकरीबन तकरीबन 9 से 10 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इसके अंदर आने वाले हैं, और इसी रीजन से वेल्स यहाँ पे बाइंग करेंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे छोटी मोटी एंट्री जरूर ले लेनी चाहिए इसके अंदर भी, यहाँ पे पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है इसके अंदर भी। अब मैं आता हूँ अपने पांचवे प्रोजेक्ट के ऊपर। जो हमारा पांचवा प्रोजेक्ट है उसका नाम है इथेरियम। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, मैं इथेरियम के ऊपर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन बढ़ चुका है, इथेरियम ने उस तरीके का गेन हमको नहीं दिया है। लेकिन देखिए वॉल्यूम भी अभी थोड़ा डाउन गया है, लेकिन इथेरियम के ऊपर आपको फोकस करके ही रखना। इसका कोई इवेंट एज सच नहीं है, लेकिन फिर भी इथेरियम बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन बढ़ता है, हो सकता है बिटकॉइन आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए थोड़े दिन के लिए, लेकिन इथेरियम आपको बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा कुछ ही टाइम के अंदर। इसके ऊपर मेरा यही मानना है कि ये बढ़ेगा। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन इथेरियम जरूर जरूर बढ़ेगा, इसके अंदर अपनी एंट्री जरूर होनी चाहिए। यदि बिटकॉइन जा चुका है ऊपर तो ये भी जरूर जाएगा। अब ये हो गया हमारा पांचवा प्रोजेक्ट। अब मैं आता हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हो, और उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम, हमारा जो फ्री का चैनल है, बिल्कुल फ्री है। देखिए दो चैनल है, एक तो अपना क्रिप्टो युग ऑफिशियल चैनल है जिसके अंदर लगभग 13,000-14,000 लोग जुड़े हुए हैं, उसके अंदर आप लोग बिल्कुल ऐड हो जाएं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं वहां पे सबसे पहले देता हूं, तो उसके अंदर आपको ऐड होना। एक यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ्यूचर वाला ग्रुप है हमारा, उसके अंदर ऐड हो जाना। उसके अंदर बहुत अच्छे से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो जो लिंक है आपको उसकी मेन चैनल से आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, सबसे पहले आपको जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है मेन, उसके अंदर आपको ऐड जरूर हो जाना है, बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपए भी नहीं देना। अब मैं आता हूं अगले प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि हमारा है छठा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। उसका नाम है राका। देखिए राका के अंदर एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेगा, जैसे के यू कॉइन हो गया, उसके साथ में ओके एक्स हो गया। मैं मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा है बिकॉज मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त पे, और जो भी प्रोजेक्ट एकदम से मार्केटिंग पे ध्यान देता है उनका प्राइस है ना डेफिनेटली बढ़ता है, बिकॉज वॉल्यूम आती है उसके अंदर और फिर प्राइस एकदम से गेन करता है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को ध्यान देना है, और एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी आपका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, यदि आपका कोई व्यू पॉइंट है तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे एक मोटिवेशन जरूर मिलती है। तो चलिए फिर इन्हीं कुछ बातों के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।